मराठा आरक्षण को लेकर पिछले कई दिनों से अदालती लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मराठा आरक्षण रद्द कर दिया गया है। निर्णय देखने और कॉपी पढ़ने के बाद यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने कुछ मुद्दों पर कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है, इसलिए 30 दिनों के भीतर कुछ मुद्दों को पुनर्समीक्षा याचिका के अधिकार के तहत अदालत के ध्यान में लाया गया, तो मुझे उम्मीद है कि यह कानून निश्चित रूप से जीवित रहेगा। इसलिए समीक्षा याचिका के माध्यम से हम निम्नलिखित बिंदुओं को अदालत के ध्यान में लाएंगे, ऐसी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ता विनोद पाटिल इनके द्वारा दी गई है। EWS आरक्षण महाराष्ट्र में 52% आरक्षण और अन्य राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में आरक्षण 50% की सीमा से अधिक है। मागास आयोग की रिपोर्ट में आधे से अधिक आंकड़े आधिकारिक है और इसमें इन्होंने आयोग के अधिकार के अनुसार निष्कर्षों को दर्ज किया है। संक्षेप में इस आयोग में समाज की वास्तविकता का उल्लेख किया गया है। भारत के अधिवक्ता ने पहले ही अदालत में स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण का अधिकार राज्य का है और केंद्रीय कानून मंत्री ने भी लिखित में दिया है कि यह अधिकार राज्य का है। हम एक बार फिर इन सभी मुद्दों को स्पष्ट करने और पुनर्विचार करने के लिए अदालत में कोशिश कर रहे हैं। कल के फैसले के बाद वास्तव में समाज को उम्मीद थी कि राज्य सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था की घोषणा करेगी। हम सब ने देखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अशोक चव्हाण ने कहा कि फडणवीस सरकार यह कानून कैसे बना है, अब राज्य के पास यह कानून बनाने का अधिकार नहीं था। इस पर याचिकाकर्ता विनोद पाटिल बोले कि उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे गलत कानून के लिए वोट क्यों दिया, साथ ही हमें क्यों नहीं बताया गया है कि यह कानून गलत है। उपसमिति के अध्यक्ष बनने के बाद भी अशोक चव्हाण ने कहा था कि वह अदालत में जीतेंगे और इस कानून को बनाए रखेंगे, तो कांग्रेस पार्टी ने गलत कानून का समर्थन करते हुए हमारे 2 साल क्यों बर्बाद किए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह केंद्र और राज्य सरकार से हमारे लिए क्या करवा सकती है। काल सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला, मराठा आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले। मागील अनेक दिवसांपासून आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतोय, आम्हाला विश्वास होता की लढाई आम्ही जिंकूच। कालचा हा निर्णय बघितल्यानंतर, याची प्रत वाचल्यानंतर काही मुद्दे याच्यामध्ये न्यायालयाने सकारात्मकरित्या विचार केलेला नाही, तर हे मुद्दे पुन्हा एकदा न्यायालयाला जर पटवून सांगितले तर निश्चित हा कायदा टिकेल अशी आशा कुठेतरी मला आहे। यामुळे जो काही अधिकार आहे 30 दिवसाच्या आत रिव्ह्यू पिटिशन करण्याचा, या अधिकाराचा वापर करून न्यायालयाला पुन्हा एकदा पुनर्विचार अर्ज आम्ही न्यायालयासमोर करणार आहोत। याच्यामध्ये प्रामुख्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत की 50% मर्यादेबाबत न्यायालयाने जे भाष्य केलंय, तर भारतामध्ये लोकसभेने जो कायदा केला सुवर्ण आरक्षण EWS आरक्षण ज्याला म्हणतात, त्याच्यामध्ये 10% वाढ करण्यात आलेली आहे, यामुळे 50% मर्यादा आता कुठंच राहिलेली नाही। आज महाराष्ट्रामध्ये देखील 52%, देशाच्या इतर राज्यांमध्ये देखील 50%पेक्षा अधिक आरक्षण आहे। दुसरा मुद्दा न्यायालयाने सांगितलाय मागास आयोगाचा रिपोर्ट, तर मागास आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये 50%पेक्षा अधिक डेटा हा सरकारी आहे। सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह महाविकास आघाड़ी और विपक्ष के बीच विवाद देखने को मिला, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी हमारे साथ नहीं है, इसलिए एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। BCN न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।